नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो लेसन है बड़ा ज़रूरी लेसन है मेरी उन भाइयों के लिए जो लोग हारमोनियम सीखने का प्रयास कर रहे हैं या फिर काफ़ी समय से हारमोनियम पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल से सीख रहे हैं, बट अभी तक उनको असफलता का ही सामना करना पड़ रहा है। यानी कि उनको कोई गाना निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है, ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है, या फिर जो लोग अभी ही शुरू किया है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। सो आज इस वीडियो में जानेंगे क्या आपको कितने राग सीखने चाहिए जिनकी मदद से आप गाना निकालना सीख जाएंगे, या फिर आपको राग क्यों ही सीखने, रागों से क्या आप वाकई में गाना निकालना सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। आपको इस चीज़ के बारे में आज तक YouTube पे किसी ने नहीं बताया होगा, Facebook पे भी किसी ने वीडियोस नहीं डाल के बताया होगा। सो जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आप उन बातों को रिलेट करिए अपने आप से, आपको अपना जवाब खुद ही मिल जाएगा। बड़ा ज़रूरी लेसन है, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब हम सीखने जाते हैं किसी गुरु के पास, तो हम लोग क्या करते हैं, गुरु लोग हमें कुछ बेसिक करवा देते हैं, 1-2 महीना हमें बेसिक करवाते हैं, कुछ अलंकार करवाते हैं, स्वर साधना कराते हैं ताकि हमारे दिमाग में वो स्वर बैठ जाएं। बट हम क्या करते हैं कि जो इंसान की जो एक जिज्ञासा होती है कि मैं शायद राग सीख जाऊँ तो मुझे गाना बजाना आ जाएगा, निकालना आ जाएगा, तो हम फिर क्या करते हैं, गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी हमें ये राग सिखा दीजिए, वो राग सिखा दीजिए कि शायद हमें कोई गाना निकालना आ जाए। बट कुछ जो सही गुरु होते हैं वो आपको मना कर देते हैं, वो बोलते हैं नहीं, आप पहले अपना बेसिक ही ठीक करो तो फिर आप राग सीखना, अदरवाइज़ आपको राग सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ी फीस की लालच होती है, वो कहते हैं कि हाँ अगर स्टूडेंट ने बोला राग सिखा दूँ तो मेरे को ज़रूर इसको सिखाना, नहीं तो ये मेरे को छोड़ के भाग जाएगा, कहीं किसी और गुरु के पास सीखने चला जाएगा। कुछ ऐसे गुरु भी हैं, कुछ सही भी हैं, जो बोलते हैं नहीं, आप पहले स्वर साधना करिए, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, फिर रागों को सीखिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फीस के लिए, हाँ कि कहीं स्टूडेंट भाग ना जाए, वो उसके लिए राग सिखा देते हैं। सो मेरा ये थिंकिंग है, एज़ माई एक्सपीरियंस, राग सीखने का आपको कोई बेनिफिट नहीं होता गाना निकालने में अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं तो। राग आपको तभी सीखने चाहिए, आपको राग सीखने का फ़ायदा भी तभी होगा जब आप कम से कम अपने 2 साल 1.5 साल संगीत में एक सफ़र को तय कर लिया है। आपके बेसिक बहुत अच्छे हैं, आपको स्ट्रांग है आपका बेसिक, आपको 10 थाट याद हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे को थाट आसावरी बजा के दिखाओ तीसरे काले से, सडनली आपको ऐसे ही मेरे बोलने पर ही, जैसे मैंने बोला, सो इस तरीके से आपका इस कदर दिमाग होना चाहिए कि आप सडनली कहीं से भी कोई भी थाट बजा सकें, कोई भी एक्सरसाइज बजा सकें, कोई भी अलंकार बजा सकें। जब आपका ऐसा तैयारी हो जाए, जब आपका ऐसा माइंड सेट हो जाए, तभी आपको राग सीखने चाहिए, अन्यथा आपको राग सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं राग सीख के, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटेड, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। राग सीखने का फ़ायदा तभी है जब आपके 10 थाट क्लियर हैं, आपको स्केल बजाने आते हैं। जैसे मैं बोल दूँ कि मेरे को बिलावल बजा के दिखाओ यहाँ से, तो आपको फट से पता हो कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। अगर मैं मान चलो कोई भी एक अलंकार देता हूँ, जैसे मान के चलिए 4th अलंकार है चार चार स्वर वाला, अगर हम उसको 5वीं काली से राग बिलावल में बजाना, तो कैसे बजाएंगे, 3rd बिलावल में बजाएंगे, जब ये ऐसा तैयारी होना कि मतलब कहीं से कोई भी गुरु कोई भी थाट बोलने को बजाने को बोल दें, या कोई भी एक्सरसाइज आपको गाने को बोल दें, जब वो क्षमता आपके अंदर हो ना, तभी आपको राग सीखने का फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं। मान के चलिए कोई गुरु आपको राग सिखा भी देते, जैसे मान के चलिए आपको एक कोई किसी गुरु ने आपको ये राग सिखा दिया, राग शिवानी, एक एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं राग शिवानी, आप राग तो सीख लिया, अभी आपको पता कैसे चलेगा इस राग में कौन से गाने, तो फिर आपका वही सीखना भी वेस्ट गया। आपने राग तो सीख लिया बट अभी आप फिर भी उसको नहीं खोज पा रहे कि उस राग में कौन से गाने हैं, तो राग सीखने का फ़ायदा क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह आप 10 राग सीख लिए, 50 राग सीख लिए, हाँ रागों के स्वर पता है कि ये राग में वो स्वर लगते हैं, ये राग में वो स्वर लगते हैं, बट उनको यूज़ करना नहीं आ रहा, तो फिर राग सीखने का फ़ायदा क्या हुआ, आप मेरे को बताइए। सो ये मेरा कहना उचित होगा कि राग सीखने का आपको फ़ायदा तभी है जब आपको काफ़ी हद तक स्वर ज्ञान है। स्वर ज्ञान से भाव है कि आप किसी भी एक्सरसाइज को किसी भी स्केल से बजा सकते हैं, किसी भी थाट में बजा सकते हैं, या फिर आपने कुछ 1-2 गाने किसी गुरु ने आपको सिखा दिए, किसी टीचर ने आपको सिखा दिए, या फिर आपने कोई गाना नोटेशन देके सीख लिया,
कोई भी गाना है, आप उसको जैसे आपने एक गाना सीखा, एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी गाना ले लेते हैं, मेरे नैना सावन भादो, या फिर ये ले लीजिए आप बहुत प्यार करते तुमको सनम, ये गाना आई थी थाट आसावरी पर आधारित। जैसे मान के चलिए ये गाना मैंने पहली काली से बजा लिया, अभी यही गाना मेरे को अगर चौथी काली से बजाना तो मैं कैसे बजाऊं? जब ये चीज है आपके अंदर तभी आपको राग सीखने का फायदा, अन्यथा कोई फायदा है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं सीखने में भी, और उस गुरु का भी कर रहे हैं, और वो जो गुरु आपको सिखा रहा है वो भी अपना समय बर्बाद कर रहा है आपको सिखा के, बस वो आपको फीस के लिए सिखा रहे हैं और कुछ नहीं फायदा। सो अभी 100 बात की एक बात बोलूं तो राग सीखने का फायदा क्या होता है, जो लोग ये जो चीज़ें जैसे मैंने बोला कि आप अपने थाट सीख लेते हैं, अलंकार सीख लेते हैं, हर एक अलंकार को आप कहीं से भी बजा सकते हैं, चाहे आप, मैं आपको बोलूँ कोई भी एक अलंकार दे दो, आप तीसरी काली से बजाओ तो तीसरी काली से बजा सकते हो, चौथी काली से बजा सकते हो, पांचवी से बजा सकते हो, छठी से, कहीं से भी बजा सकते हो। फिर उसके बाद आपको 2-4 जो गाने सिखाए हैं आप उन गानों को कहीं से भी बजा सकते हैं, तब ही राग सीखने का फायदा। तब राग सीखने का फायदा पता क्या था, देखिए मैं आपको फायदा बताता हूँ कि जब आपने सही प्रैक्टिस की है, सही रियाज किया है, तो राग सीखने का फायदा क्या मिलता है आपको। रागों से क्या होता है कि आपकी एक्सप्लोरेशन बढ़ती है, आपकी दिमाग की जो समझ है ना उस राग के प्रति, वो समझ बढ़ती है राग सीखने से, उन स्वरों के प्रति जो उस राग में स्वर लग रहे हैं, उन स्वरों के ऊपर आपकी जो समझ है वो बढ़ती है, तो आप उससे रिलेट करके और भी गाने खोज सकें, समझ सकें, और इसलिए राग कराए जाते हैं। राग का वैसे और डायरेक्टली अगर कोई राग करवाता है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, आपको करवाने को कोई फायदा नहीं है। अभी देखिए फायदा क्या होता है राग सीखने का, मैं राग सिवरंग में ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, इसमें गा कोमल यूज है, 5 स्वर का राग है, सा रे गा कोमल पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, और जाती इसकी ऑडो ऑडो है। अभी देखिए इसमें मैं गाना निकाल रहा हूँ, आप ले लीजिए गाना, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आपने ये गाना सीखा तो आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि और ऐसा कौन सा मिलता जुलता गाना जो आपको इसी राग पे आ सकता है, सारे गा पद सा सा दा पा गए हम तेरे शहर ऐसा सेंस होना चाहिए कि आपको एक गाना बजा और उसके बाद आपका दूसरा गाना अपने आप निकल जाए, फिर इसके बाद ऐसे अरे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा मेरे नैना, ऐसा सेंस होना चाहिए कि एक गाना खोजा आपने, दूसरे गाने अपने आप आपको रिलेट होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके का सेंस होना चाहिए आपका, तभी राग सीखने का फायदा, नहीं था आपको राग सीखने कोई फायदा नहीं। और आप एक राग को अगर सीखते भी हैं तो उसको अलग अलग स्केल से बजाएं, जैसे मैंने अभी पहली काली से बजाया राग सीखने सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा, यही मैं अगर आपको बोल दूं कि तीसरी काली से बजा दूं जैसे सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा, ऐसा सेंस होना चाहिए आपका, समझ ऐसा होना चाहिए, वही सेम आपको राग बोल दिया जाए कि आप चौथी काली से बजाओ सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा, राग सीख रहे हैं तो उसको ऐसे सीखिए, तभी आपको वो चीज़ फ़ायदा देगी, नहीं तो आपको कोई राग सीखने का फ़ायदा नहीं। आप अपने समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने गुरु का भी कर रहे हैं और अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। सो मेरा यही सजेशन है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हारमोनियम बजाना सीखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ हारमोनियम बजाने की, मैं वोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, वोकल के लिए आप राग करिए, बंदिशें करिए, रागों में बंदिशें करें, आपको गुरु लोग भी करवाते हैं, वो आपकी गले की तैयारी के लिए, ताकि आपका गला एक तैयार हो सके उसके लिए करवाया जाता है। हारमोनियम में भी बंदिशें इसलिए करते हैं जो लोग क्लासिकल सीखना चाहते हैं, स्वरों को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बंदिशें बनी। जो अगर आप लोग क्लासिकल गाना नहीं चाहते, क्लासिकल बजाना नहीं चाहते, तो फिर आपको बंदिशें करने का कोई सेंस भी नहीं है और आपको फ़ायदा भी नहीं है। आप सिंपल सिंपल सीखिए, अलंकार बजाइए, थाट बजाइए, स्केल बजाइए, 10 थाट है, 10 थाट को अगर आप बजा लें
और 12 स्केल है, 12 स्केलों से अलग अलग 10 10 थाटों को बजा लें और 20 30 गाने आप खुद से हर एक स्केल से निकाल लें, तो समझो आप हारमोनियम मास्टर हैं। आप दुनिया का कोई भी गाना निकाल सकते हैं अगर आपने ये चीज़ें कर रखा है। राग सीखना एक बहुत हाई लेवल की बात है, वो आपको सीखना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, बट उसको सही समय पे सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप पहला 1 महीना हुआ है आपको सीखते हुए और दूसरे महीने आप राग सीखने बैठ गए हैं, उसका कोई सेंस नहीं है, वो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो और उसका कोई फ़ायदा नहीं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे, कि मैं जो कहना चाह रहा था आप उसको समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए तो आपको अच्छा सीखने में और आगे सीखने में आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद।